बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास, आज का टॉपिक हमारा पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत पाक स्टडी। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तदार संभाला तो उन्होंने कहा, एटमी साइंस हमारी तरक्की और दिफा के लिए ज़रूरी है, मगर एटमी तवानाई की ख्वाहिश जंग या तबाही के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए रखते हैं। 1972 में, यहाँ करेक्शन करें आप लोग, 1971 नहीं 1972 में कराची में पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर कायम किया गया। अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि पाकिस्तान में पहला एटमी बिजली घर कब कायम किया गया, 1972 में। इसी तरीके से 1972 में पाकिस्तान में पहला एटमी बिजली घर कहाँ कायम किया गया, कराची में। मगर ये मुल्की ज़रूरियात को पूरी नहीं कर रहा, पाकिस्तान में बढ़ती हुई सनअतों की तरक्की के लिए मज़ीद एटमी तवानाई का हासिल बहुत ज़रूरी था। भारत ने जब 1974 में राजस्थान के सहरा में अपना पहला एटमी धमाका किया, अंडरलाइन करें, एमसीक्यूज़ है, भारत ने राजस्थान के सहरा में अपना पहला एटमी धमाका कब किया, 1974 में। या आपसे एमसीक्यूज़ इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत ने 1974 में अपना पहला एटमी धमाका किस सहरा में किया, राजस्थान में, कि वो एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। भारत के एटमी धमाके से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया, चनाचा पाकिस्तान ने भी एटमी ताकत बनने के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के हसूल की ख्वाहिश की। 1976 में दोनों ममालिक में प्लांट की ख़रीदारी का माहदा तय पाया। प्लांट की कुल कीमत $40 करोड़ में से $10 करोड़ की रकम की पहली किस्त के तौर पर अदा कर दी गई, लेकिन भारत, रूस और अमेरिका और दूसरी एटमी ताकतों को ये बात पसंद ना आई, चुनाचों उन्होंने फ्रांस पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को ये प्लांट मुहैया ना करें। मजबूरन फ्रांस ने माहदे के बावजूद प्लांट की फ्राहमी रोक दी। बाद अज़ाम, मतलब इसके बाद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की निगरानी में पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहा। 1984 में उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने यूरेनियम को अफजूदा करने से मुराद ये है कि यूरेनियम को तोड़कर उसे एटम हासिल करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इस ऐलान के होते ही पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम तेज़ कर दी। प्रोपेगेंडा कहते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना, उनके खिलाफ काम करना, यह पब्लिसिटी के तौर पर भी आप कह सकते हैं इसको। इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान अमरीकी F-16 ये जो है वो जहाज़ के नाम है, जंगी तैयारों के नाम है, और फ्रांसीसी तैयारे मिराज के ज़रिए एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है जो भारत के बड़े शहरों तक रसाई हासिल कर सकता है। रसाई कहते हैं पहुँच। 1989 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत कब हासिल की, 1989 में। MCQs, भारत और पाकिस्तान ने अपने जौहरी प्रोग्रामों को एक दूसरे से खुफिया रखा, मगर भारत ने 1974 में धमाका करके दुनिया को बता दिया कि वे एक एटमी कुव्वत है। अमेरिका ने इसके रवैये से नज़रें चुरा ली थी, मगर जब पाकिस्तान ने इस मैदान में कदम रखा तो उसे प्रेसलर तरमीम की पाबंदियों में जकड़ दिया गया। प्रेसलर तरमीम जो है वो कानून है जिसके अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान पर जो है इक्तसादी इमदाद बंद कर दी गई, मतलब जो माली मदद फराहम की जाती थी ताकि वो अपनी मीशत को मजबूत कर सके, और अपने मीशत को मजबूत करने के लिए जो भी मुल्क में मंसूबा शुरू किया था उनको पाए तकमील के करने के लिए जो रकम की ज़रूरत होती थी उसकी इमदाद बंद कर दी। किस कानून के तहत? प्रेसलर तरमीम कानून है। 1998 में भारत में भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी का नाम है, सियासी पार्टी का नाम है, बरसरी इक़्तदार आई मतलब हुकूमत में आई, तो इसने भारत की बढ़तरी का सिक्का जमाने के लिए 11 मई 1998 को पोखरान, जो राजस्थान के सहरा का इलाका है, में 5 एटमी धमाके करके खत्ते में अपनी एटमी बर्तरी कायम करने की कोशिश की। भारत ने 5 एटमी धमाके करके एटमी बर्तरी कब कायम की, 11 मई 1998 को, कहाँ की, पोखरान राजस्थान में। कितने एटमी धमाके किए, 5 एटमी धमाके किए, ये सारे आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भारतीय जारहियत का जवाब देने से मना कर दिया और धमकी दी कि पाकिस्तान ने अगर जवाबी धमाके किए तो उसकी इक़्तिसादी इमदाद बंद कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको प्रेसलर तरमीम का बताया था, इक़्तिसादी इमदाद की पाबंदी, वो यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर दी गई है। मगर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने अवाम के मुतालबे पर इख़्ला की जरूरत और कौमी गैरत का मुजाहरा करते हुए 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चागी पहाड़ में भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 7 धमाके किए। अंडरलाइन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि भारत ने के मुकाबले में पाकिस्तान ने कितने एटमी धमाके किए, 5 धमाकों के बजाय 7 धमाके किए, और कब किए, 28 मई 1998 को किए, कहाँ किए, बलूचिस्तान के चागी पहाड़ पर किए, ये सारे आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं।
इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान दुनिया का सातवां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया। ये भी आपका एमसीक्यूज़ है। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान दुनिया के कौन से नंबर पर एटमी मुल्क है, सातवें नंबर पर, और आलम इस्लाम में कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है। जो ही चागी के पहाड़ों में अल्लाह अकबर का नारा गूंजा, पाकिस्तानी कौम का सर फ़खर से बुलंद हो गया और दुश्मन का गरूर खाक में मिल गया। 28 मई को यौम तकबीर का नाम दिया गया। अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपकी एक्सरसाइज में भी है कि यौम तकबीर कब मनाया गया, 28 मई को। कौम हर साल ये दिन पूरे वकार और जोश खरोश के साथ मनाती है। ये आपका आज का टॉपिक था। ये आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट एज ए लॉन्ग लर्न करना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। अल्लाह हाफिज़।